86 का। मैं इस समय पूर्व माध्यमिक विद्यालय शहनाजपुर में हूँ। यहाँ पे जो है इस समय यहाँ पे जो है प्रबंधक श्री अनुराधा श्रीवास्तव से हम बात कराएंगे कि यहाँ पे क्या कमियाँ हैं और बच्चों को कैसी शिक्षा दी जा रही है, रसोई में क्या बनते हैं, कितने स्टाफ हैं, यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, जो भी दिक्कतें हैं वो प्रधान से इन्होंने क्या कहा, क्या सुना, उस बारे में विजय अनुराध से आपको बताइए। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो हैंडपम्प है, दो हैंडपम्प है, इसमें एक हैंडपम्प में मतलब है बहुत ज़्यादा बालू आ रही है और दूसरे में जो है जो पानी है वो बदबूदार पानी आ रहा है। और जो हमारे यहाँ का जो है ये बाथरूम और वो है वो भी जो है शौचालय की स्थिति भी जो है सही नहीं है, शौचालय की स्थिति सही नहीं है। और हमने इसके प्रधान से बात भी की है, प्रधान जी ने आश्वासन दिया है कि उसको जल्दी मतलब ठीक करवा देंगे, तुरंत नहीं ठीक है। लैट्रिन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लैट्रिन की स्थिति मतलब जो है नहीं, दरवाजे हाँ दरवाजे टूटे हुए दरवाजे। रसोई बात क्या बोला? और रसोई में जो है तहरी बनी है और बच्चों को दूध दिया। कितने स्टाफ होंगे आप? स्टाफ हमारे 3 टीचर और 3 अंग्रेज। तो यहाँ लोग आते जाते जी, मतलब यहाँ टीचर परमानेंट आते हैं? हाँ हाँ टीचर परमानेंट आते हैं। कोई गैटिंग नहीं है? नहीं कोई गैटिंग नहीं है, एक अंदर से जो चिकित्सीय अवकाश पर है बाकी पूरा स्टाफ। बच्चे एक से एक हैंडपम्प से जो है बहुत ज़्यादा बालू आ रहे हैं, आप उसको एकदम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा हैंडपम्प है क्योंकि तालाब के किनारे है उसका पानी बहुत ही ज़्यादा बदबूदार है, इसलिए पानी के लिए बच्चों को बार बार हमको सड़क पे मतलब जाना पड़ता है, खाना बनवाने के लिए पानी बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। और पानी तो हमारी मतलब बहुत बड़ी ज़रूरत है, पानी के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। और पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, उसका मतलब जल्दी ही निराकरण कर सकते हैं। और कोई परेशानी नहीं? और समस्या कोई नहीं, बस और कोई परेशानी नहीं। जैसे तालाब होते हैं, तालाब हाँ तालाब है और किसी की दीवार जो है गांव में तोड़ दी है, इसलिए हम लोग पेड़ पौधा तो लगाते हैं, कोई पेड़ पौधा बस नहीं पाता, अपने बाड़ी में कई पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो अभी तार ढूंढवाया प्रधान से कह करके, फिर तार तोड़ दिया, बस किसी गाँव में काट दिया, क्योंकि उनको भैंस की एंट्री करा कर भैंस चरवाना रहता है, क्योंकि हमारे पेड़ पौधे भी नहीं बच पा रहे हैं, दिवाली की चीज़ टूटी हुई है, बार बार गेट का ताला तोड़ दिया जाता है। प्रधान से जो समस्या थी आपने बताया जी, प्रधान से हमने बताया है क्या कहे, तो प्रधान जी ने कहा कि मतलब ठीक करवा देंगे, जो है हमें दिया कहा ठीक करवा देंगे, लेकिन ठीक नहीं करवा। कितना दिन हो गया? प्रधान से कहे तो महीनों हो चुका है, जब हम आए उसी के बाद हमने बताया। यहाँ के अधिकारियों से बात हुई? यहाँ के जी जैसे अधिकारी ने कहा कि जो है शौचालय के लिए और पानी के लिए आप प्रधान से कही, प्रधान से कहा, प्रधान जी ने भी ठीक नहीं करवाया, कहा कि करवा देंगे भविष्य में, अभी ठीक नहीं हो पाया है। इस वजह से बच्चों को बार बार सारे बच्चे पानी लेने के लिए बाहर सड़क पर जाना पड़ता है, खाना बनवाने के लिए पानी बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। यहाँ बच्चों को खाना पर डे मिलता है? पर डे खाना बनता है, मतलब उनके मुँह खाना हम ही बनवाते हैं। नहीं नहीं उसके जो हाँ मीनू टाइम टेबल से बनवाते हैं। देखिए पानी की व्यवस्था, बच्चे कितने गंदा पानी पी रहे हैं, आप खुद देखिए बच्चों को। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 6। यहाँ खाना हमेशा मिलता है? यस सर। क्या मिला आज? आज तो मिला अभी वो खिचड़ी मिलेगी। खिचड़ी मिलेगी? कल क्या मिला था? दाल चावल। दाल चावल मतलब खाना ठीक बनता है? कंकड़ का नहीं मिलता ना? नहीं मिलता। पानी ठीक है? नहीं ठीक है। पानी नहीं ठीक है ना? पानी नल का नहीं ठीक है। किसी ने उसका लाइटिंग बाथरूम का वो भी सही नहीं है, दरवाजे नहीं है, सफाई वफाई नहीं होती है? आस पड़ोस के बच्चों में कुछ मीठा भी बांट देना, वो सब ठीक है, पर मैंने बात सोची है। कौन सी बात? वो उधर अपने स्कूल में दोपहर में बच्चों को भोजन दिया जाता है ना? हाँ हाँ रानी बिटिया के स्कूल में ना जी, तो हम उन बच्चों के बीच खाने की कोई चीज बांट कर आएंगे, पर ताजा और बढ़िया खाना तो उन्हें स्कूल से मिलता है, तो हम उसके अलावा कोई मीठी चीज बांट देंगे जो स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी। ये तो अच्छी बात सोची तुमने, स्कूल के बच्चों के साथ रानी के जन्मदिन की खुशी बांटना तो अच्छी बात होगी, पर तुझे ये बात किसी ने सुझाई है क्या? हाँ महिपाल चाचा।